संस्कारी नगरी वडोदा में लोकसभा चुनाव से पहले टूट गई कांग्रेस। पूर्व नगर अध्यक्ष प्रशांत पटेल समेत 500 कार्यकर्ता कब करेंगे बीजेपी में प्रवेश, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव से पहले वडोदा कांग्रेस एक बार फिर चर्चा में है। लोकसभा चुनाव लड़ चुके प्रशांत पटेल ने इस्तीफा देकर खलबली मचा दी है। वहां 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी में शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पटेल और भावेश पटेल भी बीजेपी में शामिल होंगे। कई कांग्रेस पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष प्रशांत पटेल के साथ ही कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। इतने सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल होंगे। प्रशांत पटेल ने बताया था कि मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी सदस्यता पदों से इस्तीफा दे दिया है। पीएम मोदी के विकास कार्य और हिंदुत्व के एजेंडा से प्रेरित होकर यहां बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं से भी मेरे पुराने रिश्ते हैं। कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं हिंदुत्व के सागर में शामिल होना चाहता हूं। कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ बोलती है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। 1997 में प्रशांत पटेल एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2015 में प्रशांत पटेल को बड़ौदा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उस वक्त प्रशांत पटेल बड़ौदा में कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट जी। पटना में दीवारों पर स्लोगन लिखे गए हैं। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जहां जहां आरजेडी ने दीवार लेखन किया है, वहीं पास में बीजेपी ने भी स्लोगन के जरिए पलटवार किया है। क्या लिखा हुआ है सभी पोस्टर पर, आरजेडी और बीजेपी के पोस्टर वॉर का क्या आएगा नतीजा, देखते हैं रिपोर्ट में। बिहार में राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार आरजेडी और बीजेपी के बीच दीवार लेखन के जरिए स्लोगन वॉर शुरू हो गया, जिसे लोग भी पढ़कर खूब आनंद ले रहे हैं। राजधानी पटना की सड़कों पर कई स्थानों पर दीवार लेखन के जरिए आरजेडी और बीजेपी ने स्लोगन के जरिए एक दूसरे के गठबंधन के नेताओं पर निशान साधा है। आरजेडी ने महंगाई के जरिए अब की बार मोदी सरकार के बदलने की बात की है। सबसे गौर करने वाली बात है, जहां जहां आरजेडी ने दीवार पर लेखन किया है, वही पास में बीजेपी ने भी स्लोगन के जरिए पलटवार किया है। आरजेडी ने यह मोदी सरकार के लिए लिखा, सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार। तो भाजपा ने दीवार पर लिखा, दिया ना शिक्षा ना रोजगार, पलटू कुमार को कब तक सहेगा बिहार। वैसे इन स्लोगनों को आते आते लोग भी बड़े गौर से पढ़कर मजा ले रहे हैं। आरजेडी ने एक स्लोगन लिखा, मजदूर किसान पर रोज सितम, मोदी सरकार का खेल खत्म। तो भाजपा ने स्लोगन लिखा, कभी हमारा तो कभी आपका यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। राजनीतिक दल दीवार लेखन को सही बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सोरेन ने कहा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी पर क्या किया सोरेन ने तगड़ा प्रहार, देखते रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाकुलिया के केरुकोचा फुटबॉल मैदान में शहीद साबुआ हांसद की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि मैं देश का एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री हूं, इसलिए विपक्ष लगातार मेरी सरकार को अस्थिर करने में लगा है। कई शक्तिशाली संस्थाएं विपक्ष के इशारे पर मुझे परेशान करने की कोशिश में है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे। सीएम ने आगे कहा कि सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उद्योग लगाने वालों को सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जा रही है। चाकुलिया, बहरागोड़ा और घाटशिला जैसे इलाकों में कभी कई राइस मिल थे, लेकिन आज हालात अच्छे नहीं है। बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने सीएम को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। पहली बार 14 अगस्त को उन्हें ईडी के क्षेत्रीय कार्यपाल पहुंचना था, पर वे हाजिर नहीं हुए। दूसरे समन के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले ईडी को पत्र लिखकर समन को गैरकानूनी बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट जीएस। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वहां पेपराजी को थप्पड़ मारती नजर आ रही है। क्यों रेखा ने मारा पेपराजी को थप्पड़, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट में। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकार रेखा जहां भी जाती है सभी को अपना दीवाना बना लेती है। रेखा अब फिल्मों में नजर नहीं आती, लेकिन वह कई पब्लिक इवेंट में आती जाती रहती है, जिसकी वजह से वह हर जगह छाई रहती है।
रेखा एक इवेंट में गई थी जहां से उनका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह पेपराजी को थप्पड़ मारती नजर आई। मुंबई में ग्लोबल स्पा अवार्ड्स हुए थे। इस अवार्ड फंक्शन में रेखा, जरीन खान, वाणी कपूर, मानुषी छिल्लर और रणदीप हुड्डा समेत कई कलाकार पहुंचे थे। इस इवेंट में जिसने सबकी नजर अपनी तरफ खींची वो थी रेखा। रेखा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह इवेंट से निकलकर बाहर जा रही है और तभी पेपराजी उन्हें घेर लेते हैं। एक पेपराजी उनके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए आते हैं। इसी दौरान रेखा उन्हें मस्ती में गाल पर प्यार से थप्पड़ मार देती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है और फैंस भी इस वीडियो पर ढेर सारी कमेंट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। अदाकारी लाजवाब है क्योंकि वह हर किरदार में नया एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। बात हो रही है आयुष्मान खुराना की। इस रिपोर्ट में आयुष्मान खुराना की जिंदगी के चंद पन्नों से रूबरू कराएंगे। देखते रिपोर्ट में। 14 सितंबर 1984 के दिन चंडीगढ़ में जन्मे आयुष्मान खुराना ने अपने अंदाज से एक अलग ही पहचान हासिल की। इस पहचान को हासिल करने के लिए उन्हें घर से भगाया गया था और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके पिता थे। अक्सर बच्चे अपने ख्वाबों को पूरा करने के मकसद से घर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने अपने पिता के कहने पर किया था। आयुष्मान खुराना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद उन्होंने 2 महीने का गैप लेने और आरोप करने की योजना बनाई थी। उस दौरान मेरे पिता ने परीक्षा के अगले ही दिन मेरा बैग पैक करा दिया, साथ ही टिकट भी बुक करा दी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम अभी नहीं गए तो 2 साल तक कुछ नहीं होगा, अगर अभी जाना है तो सप्ताह भर में तुम्हें काम मिल जाएगा। दरअसल जब वह महज 4 साल के थे उस दौरान वह चंडीगढ़ के जगत सिनेमा में अपने पेरेंट्स के साथ अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब देखने गए थे। उस फिल्म को देखने के बाद ही आयुष्मान खुराना ने एक्टिंग की दुनिया में काम करने का मन बना लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। चीन ने जहां इस प्लांट को बेचते हुए उसे ताइवान के लिए फायदेमंद बताया तो वहीं ताइवान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ताइवान पर कब्जा करने की साजिश या विकास का ब्लूप्रिंट, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। लंबे समय बाद एक बार फिर चीन और ताइवान के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। दरअसल चीन ने मंगलवार को तटीय प्रांत फुजियान और ताइवान के बीच एकीकरण को गहरा करने की योजना को सार्वजनिक किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना में सैन्य शक्ति के प्रदर्शन और युद्ध पोतों की तैनाती के अलावा ताइवान के साथ सहयोग के लाभों का भी जिक्र चीनी सरकार ने किया है। ताइवानी अधिकारियों का कहना है कि चीन ने अपने इस एकीकरण योजना को जारी करने से पहले इस हफ्ते एक विमान वाहक पोत और लगभग 2 दर्जन चीनी युद्ध पोतों का ताइवान की जल सीमा के पास तैनात किया है। वह लंबे समय से ताइवान को घेरने के प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल दोनों देशों के बीच इसे लेकर युद्ध के हालात भी बन गए थे। चीन ने तब कई मिसाइल ताइवान की तरफ दागे थे। वही चीन ने इस प्रस्ताव को ताइवान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ताइवान के सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सांसद वांग टिंग यू ने कहा कि चीन की एकीकरण की योजना हास्यास्पद है। चीन के इस प्लानिंग की आलोचना ताइवान के दूसरे नेता भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने 11 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि इसरो का अगला मिशन समुद्रयान या मत्स्य 6000 है। क्या है इस मिशन का मकसद, क्या होगा भारत का नया मिशन, देखते रिपोर्ट। दरअसल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने 11 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि इसरो का अगला मिशन समुद्र यान या मत्स्य 6000 है। इस यान को चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में तैयार किया जा रहा है। यह भारत का पहला मानवीय पनडुब्बी मिशन है जिसमें वैज्ञानिक समुद्र की गहराई में 6000 मीटर तक जाकर विशेष उपकरणों और सेंसर के जरिए वहां की स्थितियों और संसाधनों पर रिसर्च करेंगे। यह अभियान भारत के लिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके जरिए समुद्र के उन क्षेत्रों के बारे में जाना जा सकेगा जिसके बारे में शायद कोई नहीं जान पाया या फिर दुनिया को बहुत ही कम जानकारी है और अभी तक केवल कुछ ही देशों में ऐसा कर पाने की क्षमता है। मिशन चंद्रयान भारत के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है जो ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी के अनुकूल है। इस नीति का लक्ष्य महासागरों और समुद्र के संसाधनों का सदुपयोग करना है।
इस मिशन में निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम और दुर्लभ खनिजों को खोजा जाएगा। बता दें कि भारत छठा देश है जिसने मानव सबमर्सिबल बनाई है। भारत से पहले रूस, अमेरिका, जापान, फ्रांस और चीन ने भी मानव युक्त सबमर्सिबल बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मेक्सिको की संसद इस समय सोशल मीडिया पर एक खास वजह से चर्चा में बना हुआ है। वहां की संसद में एलियन दिखाया गया है। संसद में क्या खास वजह से यह मुद्दा बना चर्चा का विषय, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मेक्सिको की संसद में आयोजित किए गए इवेंट में एक ऐसी असामान्य घटना देखने को मिली जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। मेक्सिको कांग्रेस की मेजबानी में आयोजित किए गए एक इवेंट में एलियन देखने को मिला। इसे लोग मानव सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में वर्णित करने लगे, जो आने वाले समय में एलियन और UFO में रुचि को आगे बढ़ाया जा सकता है। UFO और एलियंस में वैश्विक रुचि को बढ़ाते हुए मेक्सिको कांग्रेस ने अपनी सार्वजनिक सुनवाई के दौरान आधिकारिक तौर पर दो कथित एलियन लाशों को दुनिया के सामने पेश किया है। इस असामान्य घटना को ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम किया गया था। यूफोलॉजिस्ट जेमी मॉसन ने दो छोटी ममीकृत लाशों का खुलासा किया जिनके 1000 साल पुराने होने का दावा किया गया था। आयोजकों ने कहा था कि दोनों लाशें पेरू के कुस्को से बरामद की गई है। मेक्सिको के ऑटोनोमस नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मौसन ने दावा किया कि UFO नमूने का अध्ययन करने के बाद रेडियोकार्बन डेटिंग का उपयोग करके DNA सबूत निकालने में सक्षम रहा है। इस आधार पर इसके इतने पुराने होने का दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।